विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पहले उन्होंने सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों वे बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता था कि कांग्रेस महल में नहीं बल्कि महल कांग्रेस में आए ताकि जनता शक्तिशाली बने। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रहा सियासी घटनाक्रम शुक्रवार को थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के घटनाक्रम पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार की शाम को फ्लोर टेस्ट करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर वार किया और अंत में अपने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने भाजपा पर अपने विधायकों को बंदी बनाए जाने से लेकर सरकार गिराने तक के कई गंभीर आरोप लगाए।